हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं अबाउट द बैंक्स इन कैनेडा। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड थोड़ी चीज़ें हमें भी नहीं पता थी जब हम इंडिया में थे एंड वी फाउंड आउट व्हेन वी केम हियर। सो दैट इज़ व्हाई वी वांट टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू टुडे, सो दैट यू नो यू कम हियर इन्फॉर्म्ड एंड दैट इज़ व्हाई यू हैव टू स्टे अंटिल द वेरी एंड टू वॉच दिस एंड नो मोर। ओके, तो जब हम इंडिया में थे और यू नो वी हैड गॉटन आवर पीआर, वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑप्शंस, वी स्टार्टेड लुकिंग एट डिफरेंट बैंक्स। यू नो यू कैन नॉर्मली ब्राउज फ्रॉम देयर वेबसाइट एंड गो थ्रू दैट। हमने भी वही किया। व्हाट वी फिगर्ड वाज अ लॉट ऑफ बैंक्स, अ लॉट ऑफ बिग बैंक्स इन कैनेडा लाइक स्कॉशिया, बीएमओ, आरबीसी, दीज वर अलाउिंग अस टू ओपन बैंक अकाउंट्स फ्रॉम इंडिया इन कैनेडा। अब इसके यू नो थोड़े ड्रॉबैक्स हैं और थोड़े प्लस पॉइंट्स हैं, बट इफ़ यू लुक एट करंट सिचुएशन, कोविड सिचुएशन, आई वुड से उनके ड्रॉबैक्स थोड़े ज़्यादा हैं एंड द रीजंस वील डिस्कस विद यू एंड वील टेल यू व्हाई यू शुडंट ओपन अ बैंक अकाउंट इन कैनेडा फ्रॉम इंडिया। सो बेसिकली उसके बाद क्या बहुत कंफ्यूजिंग था हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा बैंक अकाउंट वहाँ से ओपन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जब मैं देख रहा था बहुत लिमिटेड ऑप्शंस दिख रहे थे और मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज वहाँ पे जितनी भी वेबसाइट्स थी उधर से यू कैन ओनली ब्राउज, यू कैन नॉट टॉक टू अ रियल पर्सन। So we decided to not to go for it. So and I think it was only Scotia that allowed you to actually transfer money. To actually also. Wire transfer your money. So हम लोग ने सोचा कि we do not want to go for it. So हम लोग ने and there was only chat option जहाँ पे you cannot get a lot of information. So हम लोग ने decide किया कि हम लोग Canada में आके open up करेंगे अपना bank account. So we came here and उसके बाद हम लोग ने कुछ bank shortlist किए। हमारे केस में वो BMO था, TD था, Scotia था। सर आप भी किस प्रोविंस में जा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि हो सकता है कि BMO के ब्रांचेस वहाँ पे कम हो, किधर TD के ज़्यादा हो, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका चेकलिस्ट क्या है। बट हम लोग के लिए बिकॉज वी आर इन ऑन्टेरियो, ये सारे बैंक्स यहाँ के काफ़ी ATMs यू कैन ईजिली गेट। सो हम लोग ने ये बैंक शॉर्टलिस्ट की, देन हम लोग ने वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करना स्टार्ट की। सो यू हैव टू बुक योर अपॉइंटमेंट फर्स्ट टू गो देयर, एंड हम लोग ने सब एक दिन या दो दिन के अंदर सारे बैंक्स में वॉक इन किया, कुछ जगह हम अपॉइंटमेंट बुक किया। Yeah, I mean, उस time पे the situation was a little better, so we went into the banks in person. Yeah. अगर वो option आपके लिए available नहीं है, so we have tried contacting them through their IVR. Yeah. So right now what they're doing is आपको bank appointment अभी भी लेना पड़ता है, but this is all telephonic, so वो आपको सिर्फ call पे बात करते हैं और आपको call पे समझाते हैं, so process is very much similar, but you only get to talk to person by call, not by in person, so अभी सिर्फ इतना डिफरेंस है, बट अभी भी अपॉइंटमेंट तो इज मैंडेटरी। राइट, सो मोटी मोटी बात यह है कि आई थिंक यू शुड शॉप अराउंड एंड नॉट यू नो लिमिट योर सेल्फ वेन यू आर इन इंडिया। इसीलिए आपको यहाँ आके यू नो यू शुड लुक एट अदर थिंग्स, यू शुड टॉक टू पीपल एंड देन फाइंड आउट विच बैंक इज सूटेबल फॉर यू। एंड द रीजन फॉर शॉप अराउंड इज कि क्योंकि यहाँ पे है ना जितने भी बैंक्स है, जितने भी प्राइवेट बैंक्स है, वो आपको न्यू स्टार्टर प्रोग्राम एनरोल करने के लिए देते हैं। सो बेसिकली जितने भी न्यू इमिग्रेंट होते हैं दे कैन एनरोल ऑन इट। ओके, सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट दीज न्यू स्टार्टर प्रोग्राम्स। Most of the developed countries में banking is not free, so you have to pay some annual fee. Unlike in India, मतलब हम लोग को कोई pay नहीं करना पड़ता था for open saving accounts, but यहाँ पर you have to pay some annual charges. But new startup program में I think for a year you will get some benefits. So every bank gives you something, you know, they are trying to entice immigrants, right? Canada is a country of immigrants. तो उनको ये चाहिए कि आप जैसे ही land हो country में you put your money or you invest with them and be a customer with them. Okay? तो वो चीज़ के लिए they are ready to, you know, entice you with a lot of offers. अब ये ऑफर्स कुड बी डिफरेंट थिंग्स, राइट? दे कुड गिव यू कैश बोनसेस। वी हैड वन ऑफ द बैंक्स ऑफर अस एन आईपैड, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दे कुड गिव यू, बट एवरीथिंग हैज अ कैच, करेक्ट? अब कोई भी आपको फ्री मनी तो नहीं देगा, करेक्ट? सो ईदर दे आर ट्राइंग टू कीप यू विद देम फॉर अ लॉन्गर टाइम, और वो समझ रहे हैं कि आप उनके वहाँ पैसे ला रहे हो, यू नो दे विल प्रॉब्ली टेल यू टू मेक अ सर्टन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, दे विल टेल यू टू प्रॉब्ली हैव योर सैलरीड अकाउंट विद देम। भी कैशबैक ऑफर्स है वो डायरेक्टली, लेट से इफ दे आर सेइंग कि वी विल गिव यू $300 कैशबैक, वो एकदम ऐसा नहीं होता आपने अकाउंट खोला और आपको $300 मिल जाएंगे। वो बेसिकली आपको कोई उसमें कंडीशंस रहती है, जैसे सपना ने बताया कि
आपको जैसे हमारे केस में इट वॉज थ्री कंडीशन राइट. वन ऑफ द कंडीशन इज टू कनेक्ट विथ योर सैलरी अकाउंट. The second one is to make a deposit. It could be as small as $50. And the third one is to pay bill, which could be more than $50, or you can open a trading account with them. Yeah, so that was one thing we did. So Akshay got $300 for doing that, and I haven't gotten it yet. So that's another thing, right? आपको ये track रखना है कि you know कब मेरा वो due है to for me to get it. अब मुझे नहीं मिला वो, right? But I had fulfilled all of those three conditions, so I had to write to the bank. Now yeah. They will look at it the and, way they and have also to. One more tip here, whenever you are opening as a couple, separate accounts खोलो, because अगर आप एक account खोलोगे as a joint account, so आप एक ही उस benefit bonus के लिए yeah enroll eligible हो करें. So let's say if I'm in this case, हम दोनों अलग-अलग खोलो, so we are both eligible for $300 individually. And any which way, I think if you both are working, you are gonna have two different salaried accounts, right? So you can do that as well. Yeah. The other thing is, you know, certain banks give you certain free things, correct? अब वो बोलेंगे कि आपको एक साल के लिए हम free banking services दे रहे हैं. अब every month that you are with them and you are not paying them a monthly fee, they will consider that as a bonus, right? They will consider कि हम आपको $15 per month charge नहीं कर रहे हैं. So for the 12 months, you're saving this amount of money. Yeah. So that's also considered in those $600 or whatever they might advertise. Because basically, sometimes जो वो लोग bonus बताते हैं, it's not just pure cash. Right. Sometimes जैसे कि मैंने किसी बैंक ने आपको लॉकर ऑफर किया है और वो लॉकर एक साल का लॉकर का फी इज $300. So they'll say we are giving you a $300 bonus. Also, another thing I would like to tell you is, what about your services after that, right? So always take that into consideration as well. कि जब वो एक साल free खत्म हो जाएगा, तब how much am I entitled to pay, correct? Because you don't want to shift your banks from here and there. So make that a priority as well. Each of these banks will offer you a credit card with a different limit. It could vary according to your pay and your situation. But when you're choosing your credit card, please be mindful of what you're getting in return, right? So they might say that I will give you a travel card. Ab ye time pe kaun travel kar raha hai na? Unfortunately, none of us are. So that doesn't make sense, correct? So maybe get a payback card, which probably you get like cashbacks after yeah, you on, spend on groceries or in normal thing. मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, फर्स्ट यू हैव टू सी कि आपको कौन से ऑफर्स बेटर लग रहे हैं. इधर मतलब कैश बोनस ऑब्वियसली सुन के अच्छा लगता है, इट्स अ फ्री मनी, बट व्हाट यू हैव टू थिंक मोर ऑफ कि आपको कौन सा बैंक आपको क्रेडिट कार्ड भी दे रहा है उसके साथ. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हर बैंक आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको चेकिंग अकाउंट ओपन करने के लिए बोलेंगे. बट दे विल से कि ओके, वी आर नॉट कंफर्टेबल इन गिविंग यू क्रेडिट कार्ड राइट नाउ बिकॉज मेबी यू डोंट हैव अ जॉब. या बिकॉज यू डोंट हैव अ जॉब और समथिंग. सो कौन सा कार्ड ज़्यादा क्रेडिट लिमिट पे दे रहा है. So this is one of the most important things, और हम लोग अपने next video में ये cover करेंगे कि वो क्यों important है. But try to look for it for those banks जो आपको actually credit card दे रहे हैं आपके situation पे, आपके financials पे, और secondly ज़्यादा limit के साथ दे रहे हैं और आप दोनों को दे रहे हैं. So वो मेरे हिसाब से सबसे important point होना चाहिए. All right, now coming back to something we were talking about all the way long. So this is the most important reason why you shouldn't open a bank account while in India, is that even if you open a bank account, the only way it gets activated is when you give them your SIN number, right? Correct? And the only way you can get a SIN number is when you land here. So agar aap transfer bhi kar dete hain money and you don't have a SIN number, that account is not activated. Right? So in that case, you can't use that money. And because of the COVID situation, abhi aapko airport pe bhi nahi mil raha SIN number. So correct. You actually have to wait for a week or 10 days. So 10 din ke liye aapne, let's say $10,000, which is a lot of money, wo block ho jayega aapka paisa. So I exactly. don't suggest ki aap log wahan se account open karo in this situation, because that money will be a kind of a block in some account. Also, I mean, I've heard a lot of people's SIN number getting rejected, right? Aur hamare saath bhi ye hua tha. Yeah. And you know, this is the video. You can click here and see why and what happened to us. But we did not get the SIN number in the first go. Tab agar mere paise wahan pe blocked hai, doesn't make any sense, right? So in that case, please, please be very careful. Don't block your money. You know, keep it handy. It might come of use to you. And इसीलिए I feel like you should just come here, look at what the situation is. हमारी खुद की flights cancel हो गई थी and we had to delay our plans, right? So in that case, please
use that money and, you know, come here, open a bank account and get your SIN number, and only then, you know, you can use that money. Right. So yeah, that is all we have, and hopefully we've helped you make a, you know, informed decision today. And this has been our experience, and this is what we would advise you. If you've got any questions regarding the banking system in Canada, please do not hesitate to leave a comment down below. We'll, you know, make it a point to get back to you and help you out and help you guys wherever we can. So, and if you like the video, please do like and share it, and please subscribe to our channel. Until the next time, bye guys. Bye. Stay safe.